केंद्रीय मंत्री आरती उतार रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है, वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्तिगत चीज है, लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी नीति है, जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते, कोई धर्म को मानने वाला सब कुछ होता है सर, तो इसीलिए इन सब चीजों पर किसी को आपको लगता है सर कि देश में माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ? और कोई नहीं, नहीं, ये संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाया है? आपको आपको संविधान में परिवर्तन करने के लिए ये पता है ना, संविधान में कोई परिवर्तन करेगा तो आपको लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से ऊपर रहेगा, तब ना कोई संविधान में संशोधन करेगा। ऐसा कोई मतलब है? या संविधान में कोई चीज होता है, इतना बार संविधान बना, कोई जरूरी चीज अगर आवश्यकता हुई तो कुछ जोड़ा गया, तो सारे पार्टियों की सहमति से ना हो रहा है जी, इसलिए इसमें कोई बात नहीं। हमको तो आश्चर्य होता है इन सब चीजों, कोई मतलब नहीं। सर, बाबा के समर्थक बोल रहे हैं कि सरकार ने सहायता नहीं दी है कार्यक्रम। हम लोग कौन धर्म के जितने हैं, हम आपको बता रहे हैं 7, इन 7ों जगह जब हम केंद्र में भी थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, उस समय भी और बाद में भी, हम कहां नहीं गए? देश भर के हर कोने में जा जा करके हम देखे हुए हैं। अब इसके बाद कोई क्या करता है? आपके बारे में कह रहे हैं कि सनातन धर्म से कोई नहीं दिया है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है नीतीश कुमार को। नहीं नहीं, अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। सर, बाबा के समर्थक कह रहे हैं कि कार्यक्रम में सहायता नहीं दिया गया है, तो सबको कुछ मिलेगा पार्टी में फायदा, मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा, इसलिए जो मन करे बोले, हम तो ध्यान में नहीं। आप आश्वस्त कर रहे हैं बिहार में एकता बनी रहेगी, बिहार में एकता बनी रहेगी सभी जाति धर्म के? बिल्कुल, ये सब तो अच्छी तरह जानिए, देश में भी बना रहेगा। कोई ये मत सोचिए कि बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश में बना रहेगा, आप देख रहे हैं ना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इधर उधर कर सकता है। अब अभी लोग अभी क्या बोल रहे हैं, अगर आप बताइए तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते थे, कभी कोई हुआ है क्या हस्तक्षेप? तो इसलिए जरा समझना ना चाहिए भाई, कि किसी चीज को जानना चाहिए, और किसी भी धर्म के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आज जिसको खुद अपना पूजा करना है करे, कोई किसी को रुकावट है, सब कर सकता है।